वार्ड वार वो कैंप लगेंगे, एक दिन में एक वार्ड दो वार्ड में कैंप लगेगा। इन कैंपों के अंतर्गत नगर निगम द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत नगर निगम अजमेर कल 15 जुलाई से प्रारंभ होकर प्रत्येक वार्ड में कैंप लगाने जा रही है। कैंप वार्डों में स्थित सामुदायिक भवनों में, वहाँ स्थित हमारे गार्डन्स जो हैं पटेल मैदान से लेकर विभिन्न बस्तियों के अंदर, कच्ची बस्तियों में, योजना क्षेत्र की हमारी कॉलोनियों में उनमें लगाए जाएंगे। वार्ड वार वो कैंप लगेंगे, एक दिन में एक वार्ड दो वार्ड में कैंप लगेगा। इन कैंपों के अंतर्गत नगर निगम द्वारा फ्री होल्ड लीज के आवेदन लेने से लेकर 69 में पट्टे के आवेदन, नल नाली सड़क सफाई की कोई समस्या थी उसके समाधान से लेकर विभिन्न जो छोटी मोटी समस्याएं नगर निगम से संबंधित है उनका समाधान वही कैंप स्तर पर करवाने का प्रयास किया जाएगा। इस हेतु नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। प्रत्येक कैंप में किसी न किसी प्रमुख हमारे अधिकारी को वहाँ पर लगाया गया है, जिसमें हमारे EN, JEN, XEN, हमारे रेवेन्यू ऑफिसर, हमारे डिविजनल डिप्टी कमिश्नर्स, इन सब की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त इन कैंपों में आमजन को सुविधा के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम है तो टेंट की प्रॉपर व्यवस्था की गई है, जो कि वाटरप्रूफ टेंट लगाए जाएंगे। वहाँ पर हवा, पानी, पीने के पानी की व्यवस्था आदि भी सुनिश्चित की गई है। साथ ही इन कैंप में सभी पार्षदगणों को भी सूचना नगर निगम द्वारा अपने स्तर पर की गई है और अधिक नोडल अधिकारी को भी अधिकृत को भी पाबंद किया है कि वो अपने जिस वार्ड में कैंप लग रहे हैं उन पार्षदों को सूचना करके उनकी वहाँ पर उपस्थिति सुनिश्चित करें। आमजन से भी संपर्क पूर्व में किया जाए, कैंप की सूचना आमजन तक पहुँचे, इसके लिए होर्डिंग्स वगैरह जगह जगह लगाना, उसकी जानकारी सोशल मीडिया के द्वारा, पार्षदों के द्वारा आमजन तक पहुँचे इसकी व्यवस्था करना। कैंप में जो आवेदन पत्र है उनकी कॉपीज भी अवेलेबल रहेगी, जनता वहीं पर उस कैंप में अपने आवेदन को भर करके वहीं पर सबमिट करा देगी और उन आवेदनों की पूर्ण रूप से जांच करके उनको चाहे पट्टा देना हो, चाहे जन्ममृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, चाहे मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना हो, निगम से रिलेटेड जो भी काम है उन कैंप में करवाने की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा। नहीं, इस बार सबके इसको विशेष रूप से इस पर ध्यान दिया गया है। सभी नोडल अधिकारी, समस्त प्रभारी अधिकारी, जो जिस विभाग का प्रभारी अधिकारी वो वहाँ पर मौजूद रहेगा, चाहे वो हमारे लाइट डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारा लीगल डिपार्टमेंट हो, चाहे रेवेन्यू ऑफिसर्स हो, चाहे गार्डन के ऑफिसर्स हो, सभी प्रभारी वहाँ पर जहाँ जहाँ कैंप में उनकी आवश्यकता है वहाँ पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। जहाँ पर अधिकारी रहने अधिकारी, जहाँ पर हमारे जो बाबू उन विभागों के संबंधित विभागों के बाबू है वो भी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। समस्त 80 वार्ड में कैंप लगेंगे, जो 15 तारीख से शुरू होकर के 10 दिसंबर तक पूरी प्लानिंग हमने की है। लगातार ये कैंप चलने वाले हैं, 15 जुलाई से लेकर 9 से 10 दिसंबर तक अंत तक ये कैंप चलने वाले हैं। इनकी पूरी तैयारी करके इसकी पूरी समय सारणी भी वितरित नीचे तक कर दी गई है। पहले क्यों विवादों में था ये कैंप? देखिए, कैंप में कोई विवाद नहीं था, लेकिन आमजन की समस्याओं का, जो रूटीन समस्या उनका समाधान तो कैंप में हो रहा था, लेकिन पट्टों में ले जो सिनेनी के पट्टे हैं, जो फ्री होल्ड लीज के पट्टे हैं, उनमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उसको लेकर के प्रशासन शहरों के संघ की कल कार्यशाला हुई, उस पर हमारे द्वारा जो प्रशासन शहरों के संघ के जो हमारे प्रभारी हैं राजस्थान के, GS संधू जी वहाँ थे, उनको उन समस्याओं से अवगत कराया गया कि अजमेर पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र पर वन विभाग, ADA, नगर निगम, इनका जमीनों का सीमांकन नहीं होने के कारण से इन कॉलोनियों के जो इन बस्तियों में रहने वाले हैं उनको पट्टे नहीं दिए जा पा रहे हैं, क्योंकि उसका तरमीम जब तक नहीं होगी कि वन विभाग कहाँ तक है, वन विभाग के अतिरिक्त कहाँ ADA, कहाँ निगम है, वह उनको पट्टा दिया जाए, बरडा और अन्य जो भूमि की किस्म उनमें पट्टा दिया जाए। इसके अलावा फ्री होल्ड लीज में जो समस्या आ रही थी कि कईयों के जो लीज है पुरानी, वो लीज रजिस्टर्ड नहीं है, लीज कहीं मिस हो गई है, खो गई है, या उन्होंने बैंक में मॉर्गेज की हुई है, बंधक की हुई है लोन के अंतर्गत, तो बैंकों को डायरेक्शन देने की भी मांग हमारे द्वारा की गई। ऐसी हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है जो हमको ट्रांसफ़र तो हो गई, लेकिन उनकी पत्रावली आज तक हमको नहीं मिली, वो पत्रावली हमको दिलाई जाए, ये भी मांग हमारे द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त कैंपों में जो परेशानी आमजन को आ रही थी
ये ध्यान में आता है कि आमजन वहाँ पर अपना पट्टा लेने के पट्टा अप्लाई करने के लिए आता है, लेकिन दस्तावेज में कहीं ना कहीं कमी होने के कारण से वो पट्टा अप्लाई नहीं कर पा रहा था। उनकी डिमांड भी हमारे द्वारा की गई इन सब मांगों को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो घनी आबादी, जो वर्षों से 50 वर्ष से अधिक समय से चाहे भूमि का किस्म वो शमशान या कब्रिस्तान के नाम बोल रहा है, लेकिन वहाँ पर आबादी है वो कम उस उपयोग में नहीं आ रहा है जिसके नाम वो किस्म बोल रही है, उसको परिवर्तन करा करके वहाँ अवस्थित लोगों को पट्टा देने में रिलैक्सेशन की बात की गई है। कच्ची बस्तियाँ 12 कच्ची बस्तियाँ नगर निगम के पास और 48 कच्ची बस्तियाँ ADA के पास है, उनमें भी पट्टे देने के लिए जो समस्याएं हमको आ रही थी उसके समाधान की मांग हमारे द्वारा की गई है। देखिए हमारे द्वारा प्रयास यही है कि आम जन को राहत मिले, आम जन का समस्या का समाधान उनके क्षेत्र में उनके घर के आसपास ही बैठकर के हो, इसलिए इन कैंपों में हमारे द्वारा पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई। वन विभाग पे जो रह रही है पब्लिक, तो उनको कुछ नहीं मिल पाएगा? देखिए सरकार के जो आदेश है, क्योंकि उसमें बहुत क्लियर है कि वन विभाग की जमीनों में बसे हुए लोग हैं उनको पट्टे नहीं दिए जा सकते। कब्रिस्तान, देवस्थान विभाग की भूमि, निजी खातेदारी की भूमि जिनमें अब वहाँ निवास कर रहे हैं लेकिन उनको पट्टे नहीं दिए जा पा रहे हैं, तो हमारे द्वारा मांग की गई है कि वन विभाग की भूमि पे जो वर्षों से 50 साल 70 साल से ज़्यादा समय से रह रहे हैं उनके लिए वन विभाग को डाइवर्जन करके अन्य कोई भूमि राज्य सरकार उपलब्ध करा दे, तो उसके बाद इनको पट्टे दिए जा सके, ये मांग हमारे द्वारा की गई है।